एक तरफ हमारी सरकार दहेज के खिलाफ कानून बना रही है कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। शादियों में दहेज लेना वैसे तो देश में कानूनन जुर्म है, मगर ग्रामीण इलाकों में लेन देन की यह परंपरा चलती आ रही है। देश में दहेज लेने के खिलाफ सख्त कानून है, पर आपको हम एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो बिहार के चप्पलपुर का है। आप जरा देखिए दूल्हा बने इस महाशय की अकड़ और ज्ञान पर भी गौर करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं आया हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये घटना जो है बिहार का है और ये गांव जो है चप्पलपुर गांव है ये, और यहाँ पे जो है लड़का जो है शादी करने से साफ इनकार कर रहा है। इसका रीजन है कि दहेज का बारीकी से हम जानते हैं लड़का से। जी आप बताइए क्या कारण है इसका, शादी नहीं कर रहे हैं आप? शादी नहीं कर रहे हैं कि मेरा डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। किस चीज़ का क्या डिमांड है आपका? मतलब अभी तक हमको कैश नहीं मिला है और सामान सब गछा हुआ था वो भी नहीं मिला है, एक चेन गछा हुआ था वो भी नहीं मिला है, तो किस आधार पर हम शादी करेंगे? आपको पता है क्या करते हैं आप ऐसे? मेरा सरकारी नौकरी है। अच्छा, और पिताजी आपके? वो मास्टर साहब हैं। अच्छा, देख रहे दोस्तों कि जैसा कि बता रहे हैं कि हमारे पिताजी जो है मास्टर है और इनकी भी सरकारी नौकरी, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, और उसके बावजूद भी ये जो है दहेज ले रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है कानूनी के तौर पे भी, और ये जो है पढ़े लिखे लोग हो करके भी इस तरह का जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए जो हमारे समाज के लिए बहुत ही घटिया काम है। अब बताइए, आप टीचर के लड़का हो करके इस तरह का घटिया सोच रखते हैं और उसके बावजूद आपके पिताजी वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या शिक्षा दीजिएगा आप, या क्या शिक्षा दिया होगा? गलत कहाँ है, कौन कहता है कि दहेज नहीं चलता, हर एक जगह चलता है, लेकिन कोई जानता है कोई नहीं जानता है। हमको नहीं मिला तो आप लोग जान गए, अगर मिल जाता तो नहीं जानते, बस यही बात है। तो लड़की वाले कह रहे हैं, इनके पिताजी कह रहे हैं कि हम जो है जो हमारी व्यवस्था हो चुकी है थोड़ा बहुत, हमने जो अरेंज किया है वो हम दे रहे हैं आपको, बाकी जो है पैसे हम बाद में दे देते हैं। तो आप इस पे आप नहीं, बाद वाला काम नहीं होगा, जो होगा आज होगा और अभी होगा, और मेरा जो डिमांड है वो पूरा होगा तभी शादी होगा, नहीं तो हम लोग बारात लेकर वापस घर चले जाएंगे। बताइए, तो यदि आपको यही काम करना था, इसी तरह का सोच रख के आए थे आप, तो शादी करने से पहले, यानी कि यहाँ पे आने से पहले ही आप मना कर देते या बोलते कि हमें पहले पैसे दीजिए उसके बाद हम जाएंगे? उन लोगों से बात हुई थी फ़ोन पर, बोले कि अच्छा आइए मेहमान जी, यहाँ आपका सब कुछ रखा हुआ है, और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि अभी तक नहीं अरेंज कर पाए हैं ये लोग। अगर ऐसा बात था तो अपने औकात वालों जैसा कर सोच मतलब खोजते, अपने से ऊँचे और सरकारी नौकरी वाले करते हैं और नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से शादी होगा? हम लोग भी इतना खर्चा किए हैं, कहाँ से हम अरेंज करेंगे? देखिए दोस्तों, तो मेरा माँ बाप का अच्छा था तो ना तो मिलवे किया है, 1 लाख ना बाकी है, वो तो मिल ही जाएगा ना। सोना का चैन और अंगूठी वो भी बाकी है, तो उम्र वक्त में मिल जाएगा? नहीं नहीं, हमको अभी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब ये पढ़े लिखे लोग जो है इस तरह का घटिया काम करते हैं, तो फिर जो अनपढ़ है वो यदि कर लेंगे तो कौन सी गलत बात है? मेरे ख्याल से आप ऐसा कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने पिताजी को जाइए समझाइए, थोड़ा खुद ही समझाइए आप। इसमें समझाने वाली बात कहाँ है? आपकी नाक कट रही है ना इसमें, नाक आप बारात लेके आए हैं, हैं? उधर लड़की वाले भी जो है भाई इज्जत पे पड़ता है ना, आप समझते हैं ना गांव में क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं, करके देखते हैं डैडी से, ठीक है? हाँ कीजिए, आप जाइए। अकड़ देखिए आपने सरकारी मास्टर की बेटी की, मास्टर साहब अलग लड़ रहे हैं और बेटा कह रहा है कि मांग पूरी नहीं हुई तो शादी नहीं करूंगा। इस अकड़ वाले मास्टर जी के बेटे को पता नहीं है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 साल तक की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है, या पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है। दहेज शादी के समय लड़के पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष से नगदी और गहनों की मांग की जाती है। दहेज वो रीत जिसकी मांग शादी से पहले, शादी के समय
या शादी के बाद भी की जाती है। दहेज उपहार के रूप में टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, मोटरकार आदि दिए जाते हैं। दहेज संपत्ति, प्लॉट, मकान, जमीन, अन्य कई मूल्यवान वस्तुएं शादी में दी जाती हैं। खत्म करिए इस रीत को, समाज आप लोगों से बनता है, मिसाल बनिए और समाज के इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करिए। फिलहाल खबरों में इतना ही, देश विदेश से जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज, निर्भय सत्य, जनता की आवाज़।